डायनासोर बिरयानी। एक गांव में सागर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। वो डायनासोर के हड्डियों का रिसर्च कर रहा था। सागर के पास लड्डू नाम का एक मोटा सा बावर्ची काम करता था। एक दिन जब सागर अपने काम में लीन था, तब लड्डू उसके पास आया। साहब करके चिल्लाया सागर एकदम से हड़बड़ाकर। अरे लड्डू, हर रोज जब मैं ये पता लगाने वाला होता हूँ कि डायनासोर कब पैदा हुआ, ऐन वक्त पर आकर तुम चिल्लाने लगते हो, तब मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। अब चिल्लाया क्यों बताओ? मैं तो ये पूछने आया था कि आज खाने में क्या बनाऊं। अरे तुम सिर्फ दाल तड़का बनाना जानते हो, हर रोज वही बनाकर मुझे खिलाते हो, और ऊपर से हर रोज आकर ये पूछते हो कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। सुनने वाले ये सोचेंगे कि तुम हर रोज मुझे बिरयानी, कबाब, कीमा सब खिलाते रहते हो। अरे कम से कम आज तो दाल तड़का ठीक से बनाकर खिलाओ। देखते जाइए साहब, एक ना एक दिन मैं आपको बहुत बढ़िया बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा। मैं YouTube में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अब हर रोज एक नए किस्म का बिरयानी आपको खिलाऊंगा, ये गारंटी है। अरे रहने दो, बड़े आए बिरयानी खिलाने वाले, जाओ जाओ। एक दिन जैक्सन नाम का एक विदेशी एक बहुत बड़े अंडे को लेकर सागर के पास आया। सागर, अब से आपको इन डायनासोर के हड्डियों को खरोंचने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायनासोर का अंडा है। अफ्रीका के जंगलों में खुदाई करने पर ये अंडा हमें मिला। इस अंडे को सेंक कर डायनासोर को बाहर निकालिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके 30 साल का मेहनत रंग लाएगा। ये 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। दुनिया भर के देशों ने इस पर पैसे डाले हैं। यानी इस अंडे की कीमत 1,000 करोड़ रुपए है। जरा ध्यान से कहकर उसने वो अंडा सागर को दिया। सागर खुश होकर, आप बिल्कुल चिंता ना करें मिस्टर जैक्सन, इस अंडे में से डायनासोर को मैं बाहर निकालूंगा, देखते जाइए। अब जब स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क फिल्म बनाएगा, तब वो असली डायनासोर के साथ शूटिंग करेगा। सागर ने उस डायनासोर के अंडे को एक बहुत बड़े ओवन में रखा। वो हर रोज उस ओवन के टेम्परेचर को बदलने लगा। वो कुछ कैलकुलेशन करते हुए कागज में लिखने लगा। एक दिन सागर फॉर्मूला लिख रहा था कि लड्डू वहाँ पहुँचा और साहब कहकर चिल्लाया। सागर हड़बड़ा गया। अरे अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे दाल तड़का ही ना, आज तुम मूंग दाल का बनाओ, थोड़ा वैरायटी होगा। साहब मैंने पूरी तरह बिरयानी बनाना सीख लिया है, अब कहिए कौन सी बिरयानी बनाऊं? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश बिरयानी, फ्रांस बिरयानी, मशरूम बिरयानी, मिक्स वेजिटेबल बिरयानी, बताइए बताइए। अरे बंद करो बकवास, फ्रांस बिरयानी, वो फ्रांस नहीं प्रॉन्स बिरयानी है। अरे बोलना ही नहीं आता। अरे कोई भी बिरयानी बनाओ चलेगा। रसोई में जाकर लड्डू, साहब को एक नए किस्म का बिरयानी बनाकर उन्हें चौंकाना होगा, कौन सा बिरयानी बनाऊं? यूं सोचने लगा तभी अवन में रखा अंडा टूटा। उसमें से डायनासोर का बच्चा बाहर निकला। वो चलता हुआ लैब से बाहर आया। वो डायनासोर सीधा रसोई में गया। उसे देखकर लड्डू, अरे वाह, ये बड़ा अजीब जानवर है, काफी तगड़ा है, अगर इसका दम बिरयानी बनाकर सांप को खिलाएं तो उनका दिमाग हिल जाएगा। लड्डू ने उस डायनासोर के बच्चे को पकड़ा। थोड़ी देर बाद सागर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। वहां टेबल पर एक बड़े से प्लेट में डायनासोर बिरयानी रखा हुआ था। पास ही लड्डू बड़े गर्व के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा था। ये क्या, लगता है इसे कहीं देखा है। मैं भी नहीं जानता साहब ये क्या है। ये जानवर आपके लैब से रसोई में आया था, ये जरा अलग दिख रहा था तो मैंने इसका बिरयानी बना दिया। अरे इसकी महक तो बहुत बढ़िया है, जरा स्वाद चक्कर तो बताइए। सागर को सारी बात समझ में आ गई। अरे कमबख्त, तुमने 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का 1,000 सेकंड में बिरयानी बना डाला। अरे इतने महंगे बिरयानी को तो बिल गेट्स ने भी कभी नहीं खाया होगा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा क्या करूं, मैं जाकर पागल खाने में भर्ती हो जाता हूं। कहकर उसने लड्डू को खूब मारा। तभी जैक्सन वहां पहुंचा। उसने उस अजीब किस्म के बिरयानी को देखकर, वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक बिरयानी, ये तो बहुत बढ़िया है, कहकर वो सारा बिरयानी खा गया। सब खाने के बाद जैक्सन, मिस्टर सागर, हमारा डायनासोर तैयार है।
वो पैदा भी हुआ और आप उसे निगल भी गए, कहकर उसने सारी बात बताई। ये सुनकर जैक्सन बेहोश हो गया। वुडन व्हीकल्स। हरिद्वार नाम के गांव में पाशवान नाम का एक आदमी लकड़ियों से कई तरीके के खिलौने बनाकर बेचा करता था। वहां गांव के लोग उनसे ही खरीद कर इस्तेमाल करते थे। एक दिन पाशवान नारंग के पास गया। नारंग भैया, पूरे 2 लॉरी का लोड मेरे घर भेज देना, बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। देखो पाशवान, अब से तुमको मैं माल नहीं बेचूंगा, कहीं और जाके देख लो। ये क्या है भैया, यहाँ के आसपास में आपके अलावा माल को सप्लाई करने वाला कोई भी नहीं है। बहुत ऑर्डर्स है भैया, अगर सिटी में से मंगवाया तो 10 गुना ज्यादा रेट बढ़ जाएगा ना, कह रहा था। तभी वहाँ पर बिजनेसमैन वीरू आया। पैसे खर्चा ज्यादा नहीं होना है तो एक ही तरीका है भाई, तुम वो वुडन व्हीकल्स को तैयार करके मुझे बेचो, मैं उनको 10 गुना ज्यादा रेट में लोगों को बेचूंगा, तब तुम, मैं और नारंग हम सब खुश। देखिए भाई साहब, हमारे पूर्वजों से पेड़ों को मानकर हम व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धोखा देना मुझसे नहीं होगा, कहकर वहां से चला गया। उसके बाद वीरू उसके आदमियों से चीप क्वालिटी वाला वुडन व्हीकल्स को तैयार करवाकर उनको अच्छा क्वालिटी है कहकर प्रचार करके लोगों को बेचना शुरू किया। उसकी वजह से बेचारा पाशवान के पास काम नहीं बचा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद पाशवान की बीवी मार खाया हुआ उनका बेटे को पाशवान के पास लेकर आई। देखा आपका बेटा ने क्या किया, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उस नारंग के पास जाके झगड़ा किया और वो लोग इसको मार के भेज दिए। बच्चा है ये भी सोचे बिना, अब आप और बिना काम किए ऐसे रहोगे तो कल ये चोरी करके फंस गया तो भी कोई आश्चर्य होने की जरूरत नहीं। सॉरी बेटा, अब से तुमको कोई भी समस्या नहीं आने दूंगा, जरूरत हो तो पूरा जंगल को काट कर मैं पैसे कमाऊंगा। के बाद पासवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। तभी एक बड़ा सा पेड़ को काटने के लिए देखा तो वो पेड़, अरे ओ बेटा, मैं 5,000 सालों से इस जंगल में हूँ और अभी तुम अपने स्वार्थ के लिए मुझे काट रहे हो। हाँ, मैं तो अपना स्वार्थपरता के लिए ही काट रहा हूँ, वैसे भी आजकल के जमाने में स्वार्थपरता से ही जीना है, अच्छा दिन तो है ही नहीं। उस नारंग ने तो मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा बोलने के वजह से मेरे पेट पर मारा, जब तक ऐसे लोग है तब तक अच्छा दिन नहीं है, मुझे और मेरे परिवार को जीना है तो तुमको गारंटी मरना पड़ेगा। ओहो, तो ये समस्या है तुमको। देखो, उस नारंग ने चोरी से जंगल के संपदा को छीन रहा है कहकर मैंने भी सुना, ठीक है, लेकिन तुम जैसे अच्छे लोग ऐसे बुरे बनना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, मेरे डाली को ले जाकर तुम्हारे घर में लगाओ, तुम्हें नारंग जैसा नहीं उससे भी बढ़िया गुणवत्ता वाले वुडन कार्स आएंगे। तब पाशवान पेड़ के डाली को लेकर उसके घर में जाकर लगाया। सब लोग देख रहे थे। तभी वो बड़ा पेड़ बन गया। उतना ही नहीं, उस पेड़ में से कई तरीके के वुडन व्हीकल्स निकले। उनको देखकर साक्षी और उनका बेटा तालियां बजाए। ये बात पूरा गांव में फैल गया और उस अजीब को देखने के लिए सब गांव वाले आए। इतना ही नहीं, जो भी आए है उन वुडन व्हीकल्स को खरीद कर ले जाने लगे। ऐसे ही थोड़े दिन के बाद सब गांव वाले पाशवान का वुडन व्हीकल्स में ही घूमने लगे। उसकी वजह से वीरू व्हीकल्स को खरीदने वाले कोई भी नहीं बचे। उसको देखकर एक दिन वीरू से नारंग, ये क्या है भाई, आपने बोला इसलिए करोड़ों डाल के इतना स्टॉक मंगवाया, लेकिन आपने वुडन व्हीकल्स बना के इधर ही रखे। इतने में उस पाशवान का माया पेड़ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पेड़ क्या है, उस पेड़ में गाड़ियां उगना क्या है, उनको कम रेट में बेचना क्या है, सब कुछ अजीब सा है। उसके ऊपर शहर में उनका ही माल को पूछ रहे हैं, हमारे व्हीकल्स को कम से कम आंख उठाकर कोई भी नहीं देख रहे हैं। ऐसा है तो बहुत मुश्किल है भैया, मुझे भीख मांगना ही पड़ेगा। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ भीख मांगना पड़ेगा। मगर क्यों टेंशन ले रहे हो, ये प्रॉब्लम आया कैसे, उस पाशवान के पेड़ के वजह से। आराम से उस पेड़ को तोड़ लिया तो हमारा पूरा प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद उस पाशवान को भी देख लेंगे। उस रात वीरू और नारंग मिलके उस पेड़ के पास गए और दोनों आरा से उसको काटने लगे। तब वीरू से नारंग, वीरू छोड़ना नहीं, काटो, इस झटके से ये पेड़ को मरना है, नहीं तो ये वुडन कार्स देती है, हम क्या येड़े दिख रहे हैं क्या, कल हमारे झटके से वो पाशवान और उसका परिवार शॉक हो जाना चाहिए।
तभी उस पेड़ का डालिया बगल वाले इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिए और फिर उस पेड़ के जरिए उन दोनों को भी करंट शॉक लगा। तब दोनों, बचाइए हमें बचाइए, इस पेड़ से करंट शॉक लग रहा है, बचाइए बचाइए कहकर चिल्लाने लगे। तभी उनका आवाज सुनकर पासवान बाहर आया और फिर उनको छड़ी से मारा। फिर उन दोनों को पकड़कर खूब पिटाई करना शुरू किया। फिर वे दोनों वहां से भागने लगे। तब पेड़ से वुडन कार्स नीचे गिरने लगे और उनका पीछा पड़ गए। उनको छिद्रन छिद्रन करते हुए भगा भगा कर मारे।